नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वेल्डिंग का दोस्तों जो हमारा क्लास चल रहा था, तो उसका ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन कर दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले अब जानेंगे प्रेशर वेल्डिंग के बारे में, क्योंकि क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि हम सभी लोग क्या है कि एक एक जो वहां पर टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, जो भी आपको वहां पर वर्गीकरण हम लोग किए थे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले प्रेशर वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो प्रेशर वेल्डिंग होता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी वेल्डिंग, इसमें जो प्रेशर से हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो हम लोग वेल्डिंग करेंगे, प्रेशर दे के वेल्डिंग करते हैं, ठीक। तो प्रेशर से हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस वेल्डिंग में दोस्तों जो वर्क पीस रहता है, ठीक, वर्क पीस जो रहेगा हमारा, वर्क पीस, ये दोस्तों जहां भी वेल्डिंग करेंगे ये क्या होगा कि द्रव अवस्था में नहीं आता है, ठीक। तो वर्क पीस जो होगा वह द्रव अवस्था में नहीं आएगा, द्रव अवस्था में नहीं आएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम लोग इस पर प्रेशर देकर ही हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तीसरा, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो ये आपके प्रेशर वेल्डिंग होता है, इसमें दोस्तों हम लोग निष्क्रिय गैस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। जो हमारा निष्क्रिय गैस होता है, इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक। तो निष्क्रिय गैस का हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक। चौथा, यहाँ पर दोस्तों अब आपको बता दें, यहाँ पर दोस्तों क्या है कि फिलर मटेरियल का भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक। तो जो यहाँ पर फिलर मटेरियल होता है, ये भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, जो प्रेशर वेल्डिंग होता है, ये हमने आपको बताया था कि ये हमारे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ठीक। तो प्रेशर वेल्डिंग हमने आपको बताया था कि ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए दोस्तों, जो भी आपके प्रेशर वेल्डिंग होते हैं, ये हमने दोस्तों वर्गीकरण कराया था। एक तो बताया था आपको कि जो भी हमारा प्रेशर वेल्डिंग होगा, प्रेशर वेल्डिंग, ठीक, इसको हमने दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड किया था। प्रेशर वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है आप लोग जरूर बताइएगा, हमने आपको बताया था। इसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वेल्डिंग, ठीक। क्या बोलते हैं प्रेशर वेल्डिंग को हम लोग, प्लास्टिक वेल्डिंग, प्लास्टिक, प्लास्टिक वेल्डिंग, ठीक। अब यहाँ देखिए, प्रेशर वेल्डिंग हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इसमें दोस्तों एक तो रहेगा जो पहला आपका, वो रहेगा दोस्तों आपका फोर्ज वेल्डिंग, ठीक, FORGE, फोर्ज वेल्डिंग, जिसको कि हम लोग दोस्तों बोलते हैं लोहारगिरी वेल्डिंग, ठीक। दूसरा जो रहेगा दोस्तों, वो हमारा रहेगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है कि फोर्ज वेल्डिंग में हमने आपको पहले बताया था कि ये हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो भट्टी में करते हैं। कहाँ पर? तो भट्टी में हम लोग यूज, यहाँ पर भट्टी में हम लोग फोर्ज वेल्डिंग करते हैं, यानी कि फर्नेस, ठीक, फर्नेस, यानी कि हम लोग फोर्ज वेल्डिंग जो होता है हम लोग भट्टी में करते हैं। और जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है दोस्तों, ये हम लोग दोस्तों इलेक्ट्रिक की सहायता से करते हैं, ठीक, यानी कि विद्युत की सहायता से। ये हमने आपको इतना अभी तक हमने आपको बताया है। अब दोस्तों, अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसके क्लासिफिकेशन में मैं आप लोगों को नहीं लेकर जाऊंगा। अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे जो भी हमारा फोर्ज वेल्डिंग है। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में मैंने आपको पांच बताया था। एक तो पहला आपको बताया था अपसेट वेल्डिंग, सॉरी, इसमें मैंने आपको चार बताए थे। एक तो अपसेट वेल्डिंग, दूसरा हमारा क्या था, स्पॉट वेल्डिंग, तीसरा था हमारा सीम वेल्डिंग, और जो चौथा था वो हमारा क्या था, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक। तो अब बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोर्ज वेल्डिंग के बारे में। तो देखिए हम लोग चलते हैं फोर्ज वेल्डिंग पर। तो देखिए ये है दोस्तों हमारा फोर्ज वेल्डिंग, जिसे कि हम लोग बोलते हैं लोहारगिरी वेल्डिंग। अब दोस्तों इस फोर्ज वेल्डिंग में अगर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो फोर्ज वेल्डिंग है, ये हम लोग कहाँ पर देखिए, ये हथौड़े की सहायता से किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये है हमारा वर्क पीस, ठीक। इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लोहार गिरी, यानी कि आप लोग जो लोहार आप लोग देखे होंगे, वो इसी तरह से वर्क करता है, ठीक।
तो ये हमारा दोस्तों कहलाता है फोर्ज वेल्डिंग या लोहारगिरी वेल्डिंग। इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हथौड़े का यूज करते हैं, हथौड़े का प्रयोग। ठीक, अब देखिए अब कोई जरूरी नहीं आप हथौड़े का ही प्रयोग करें, आप हो सकता है हैमर का भी यूज कर सकते हैं, पावर हैमर का भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक, तो यही चीज है मैं आपको बताऊंगा। और इसमें दोस्तों देखिए आप अगर इसको हथौड़ी से चोट मार रहे हैं तो ये मतलब आप क्या डाल रहे हैं, इस पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो यही दोस्तों हमारे जो फोर्ज वेल्डिंग है प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आता है, यानी कि हथौड़े से जब हम लोग चोट मारते हैं यानी कि उस पर हम लोग प्रेशर डालते हैं। ठीक, तो इन सभी के बारे में दोस्तों आइए हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो फोर्ज वेल्डिंग होता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी मटेरियल रहता है ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं प्लास्टिक स्टेट तक हम लोग इसको गर्म कर लेते हैं। कहाँ तक? प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट कौन सा होता है? तो प्लास्टिक स्टेट के लिए दोस्तों देखिए वो होता है प्लास्टिक स्टेट कि हम लोग उस जिस वर्क पीस को हमें वर्क करना है उसको इतना गर्म करते हैं कि अगर हम उस पर चोट मारें तो वो अपने पूर्ण मतलब पिछले अवस्था पर ना आने पाए। यानी कि अगर हम लोग किसी चीज को अगर यहाँ पर देखिए हथौड़े से अगर ठोक देंगे तो जहां पर ठोकेंगे वहीं पर वो रुका रहे। ठीक, तो वो होता है दोस्तों हमारा प्लास्टिक स्टेट। ठीक, यानी कि ऐसी अवस्था जिस पर वो क्या हो कि अपने पूर्व अवस्था में ना आ पाए, वहां तक हम लोग उस टेम्परेचर तक हम लोग वर्क पीस को गर्म करते हैं। ठीक, तो ये इसका जब वर्क पीस को हम लोग दोस्तों गर्म कर लेंगे प्लास्टिक स्टेट तक, ठीक, तो ये गर्म कहाँ पर करेंगे? तो फर्नेस में करेंगे यानी कि भट्टी में। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग फर्नेस। ठीक, फर्नेस में हम लोग यानी कि भट्टी में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वर्क पीस को गर्म करते हैं और उस पर हथौड़े की सहायता से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, चोट मारते हैं। अब देखिए चोट मारने के लिए हम लोग दोस्तों या तो हैंड हैमर का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पर पावर हैमर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, यानी कि अगर दोस्तों हम लोग पावर हैमर देखिए छोटा काम करना है तो हम लोग हैंड हैमर यूज कर लेंगे, अगर बड़ा काम है तो हम लोग पावर हैमर यूज कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया फोर्ज वेल्डिंग के बारे में। और देखिए ये जो फोर्ज वेल्डिंग होता है ठीक, ये दोस्तों जो आपका यूज किया जाता है मेनली दोस्तों ये किया जाता है आपका रॉट आयरन के लिए। ठीक, और किसके लिए किया जाता है? और किया जाता है दोस्तों यहाँ पर लो कार्बन स्टील। ठीक, तो लो कार्बन स्टील के लिए यानी कि LCS लो कार्बन स्टील। अब देखिए दोस्तों जो हमारा रॉट आयरन होता है ठीक, इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक महीन बालू का रेत हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं? महीन बालू का रेत, महीन साफ रेत, तो महीन बालू हम लोग इसमें यूज करते हैं। किसके रूप में दोस्तों? तो एज ए फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं, एज ए फ्लक्स। ठीक, तो एज ए फ्लक्स के रूप में दोस्तों हम लोग रॉट आयरन में महीन बालू का प्रयोग करते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा कि जब हम लोग रॉट आयरन का वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग एज ए फ्लक्स किसका यूज करते हैं, तो महीन बालू का प्रयोग या दोस्तों महीन साफ रेत बालू आप लोग कह दीजिए। और यहाँ पर जो लो कार्बन स्टील रहता है ठीक, जब हम लोग इसका वेल्डिंग करते हैं तो इसमें दोस्तों हम लोग बोरेक्स का यूज करते हैं। किसका? बोरेक्स का, BOREX। ठीक, बोरेक्स का यहाँ पर हम लोग दोस्तों प्रयोग करेंगे एज ए फ्लक्स के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बोरेक्स किसके रूप में? एज ए फ्लक्स के रूप में। ठीक, एज ए फ्लक्स, तो फ्लक्स के रूप में लो कार्बन स्टील में हम लोग बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। अब देखिए फ्लक्स का मेन काम क्या होता है आपको ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों जो भी हमारा फ्लक्स होता है ये क्या करता है, एज ए इंसुलेशन का कार्य करता है, जिससे क्या होता है दोस्तों जो कूलिंग रेट होता है ना वो स्लो हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये जो गर्म है ये दोस्तों कूलिंग रेट क्या करता है, एज ए फ्लक्स के रूप में जो करता है यानी कि वो कूलिंग रेट स्लो हो जाती है और जो ज्वाइंट प्राप्त होगा दोस्तों वह सॉफ्ट होगा और डक्टाइल होगा। ठीक, वरना अगर जल्दी से दोस्तों अगर ठंडा हो जाएगा तो आपका क्या होगा, वो भंगुर हो जाएगा। ठीक, अगर आप उसमें भंगुर हो जाने का मतलब समझते हैं कि अगर आप वो कठोर हो जाएगा, अगर आप उस पर चोट मारेंगे तो वो टूट जाएगा, तो फिर उसमें मजबूती नहीं रह जाएगी। ठीक, इसलिए दोस्तों हम लोग जो फ्लक्स यूज करेंगे
महीन बालू रॉट आयरन के लिए यूज करेंगे, और एज ए फ्लक्स के रूप में दोस्तों हम लोग बोरेक्स यूज करेंगे लो कार्बन स्टील के लिए। मैंने आपको बताया कि फ्लक्स जो यूज करते हैं दोस्तों एज ए इंसुलेशन का कार्य करता है, जो कि दोस्तों कूलिंग रेट को स्लो कर देता है और जो ज्वाइंट हमारा प्राप्त होगा सॉफ्ट और डक्टाइल प्राप्त होता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फोर्ज वेल्डिंग के बारे में। यहाँ पर एक एक चीजें सब इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बताया, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्ज वेल्डिंग के बारे में, हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपसेट वेल्डिंग। अपसेट वेल्डिंग से पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक सादा पेज ले लेता हूँ कि अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि अब इसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग, अगर इसका अगर नाम देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध वेल्डिंग, ठीक। कौन सा वेल्डिंग, तो प्रतिरोध वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग। अब दोस्तों देखिए, जो प्रतिरोध वेल्डिंग होता है इस विधि में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो कंपोनेंट होता है, ठीक, यानी कि वर्क पीस रहता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक की सहायता से दोस्तों उसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, वर्क पीस कोई भी रहे, ठीक, वर्क पीस अगर बाई चांस समझिए कोई है, उसमें हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रिक की सहायता से, कोई भी इलेक्ट्रिक की सहायता से उसमें हम लोग क्या करेंगे कि धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक। तो जब हम लोग उसमें दोस्तों धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वो गर्म होगा, हीट होगा। तो उसमें देखिए हम लोगों के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होगा वहां पर हीट यानी कि ऊष्मा प्राप्त होगा, वो दोस्तों आई स्क्वायर आर टी के रूप में हमें ऊर्जा मिलेगी, ठीक। अब अगर दोस्तों यहाँ पर जो धारा है, धारा का मान अगर दोस्तों हम लोग बढ़ाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पर जो यहाँ पर हीट है, ये जो हीट है, ठीक, हीट का मान क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा, ठीक। हीट क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब हम लोग धारा को बढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पर जो हीट जनरेट होता है वह आई स्क्वायर आर टी के अनुसार हीट जनरेट होता है। अगर हम लोग धारा का मान ज्यादा करेंगे तो हमारा हीट भी क्या होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक। तो इस हिसाब से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हीट को उत्पन्न कर लेते हैं, यानी कि हीट जो भी डेवलप होगा, और उसमें दोस्तों हम लोग कॉम्पोनेंट को क्या करते हैं, प्लास्टिक स्टेट तक गर्म कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक की सहायता से धारा प्रवाहित करेंगे और वहां पर हीट जनरेट होगा, और हीट की सहायता से दोस्तों हम लोग उसको प्लास्टिक स्टेट तक वर्कपीस को गर्म कर लेते हैं, और इसके बाद उस पर हम लोग दोस्तों प्रेशर डाल देते हैं। प्रेशर डालने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट यानी कि वेल्डिंग हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। अब हम लोग दोस्तों बारी बारी से रेजिस्टेंस वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है आपका इलेक्ट्रिक की सहायता से किया जाता है, और इसमें दोस्तों देखिए जो हम लोग यूज करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग, अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा वर्गीकरण कर दूं फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होता है दोस्तों, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, ठीक। कौन सा ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, TF लिख देता हूं मैं इसे, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे हम लोग दोस्तों रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और ये जो भी दोस्तों होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये आपका इलेक्ट्रिक की सहायता से होगा और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा। और दोस्तों जो आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है, ठीक, रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये आपका कई तरह का होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपका अपसेट वेल्डिंग, ठीक, अपसेट वेल्डिंग। दूसरा मैं आपको बताऊंगा वो रहेगा आपका स्पॉट वेल्डिंग, ठीक। तीसरा क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा सीम वेल्डिंग, SEAMWELDING, ठीक, सीम वेल्डिंग। और जो चौथा रहेगा दोस्तों वो हमारा रहेगा प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपसेट वेल्डिंग के बारे में, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अपसेट वेल्डिंग ये दिखा रहा हूँ।
अब देखिए दोस्तों, अपसेट वेल्डिंग जो है हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पर इसका यूज करते हैं, तो पाइपों को जोड़ने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपसेट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आप लोग लिखिए कि हम लोग जो वेल्डिंग यहाँ पर यूज करेंगे, अपसेट वेल्डिंग कहाँ पर यूज करेंगे, तो पाइप के दो किनारों को जोड़ने के लिए, पाइप के दो किनारों को जोड़ने के लिए। ठीक, तो पाइप के दो किनारों को जोड़ने के लिए हम लोग दोस्तों अपसेट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए जो फिगर दिया गया है, एक फिगर देखिए यहाँ पर, ये जो दिया गया है यहाँ पर देखिए, एक तो ये है पाइप यहाँ पर है, दूसरा पाइप यहाँ पर हमारा लगा है, और देखिए इसका एक सिरा यहाँ पर है और दूसरे वाले का सिरा यहाँ पर है। तो इन्हीं दोनों दोस्तों किनारों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अपसेट वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको दबा देंगे, फिर इसके बाद देखिए तो यहाँ पर देखिए प्रेशर यहाँ पर पी लिखा है ना, यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे इधर से, फिर यहाँ पर देखिए हम लोग ट्रांसफार्मर जो यूज किए हैं, कौन से यूज किए हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए नीचे ट्रांसफार्मर का ये फिगर दिया गया है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और इसकी सहायता से देखिए फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जब इलेक्ट्रिक की सहायता से दोस्तों यहाँ पर जब हीट जनरेट होगा तो इसके सिरे जो होंगे यहाँ पर उसमें उत्पन्न होगा। फिर यहाँ पर देखिए एक हैंडल दिया गया है, यहाँ पर हैंडल जो है इसको हम लोग दोस्तों इस डायरेक्शन में जब घुमाएंगे तो इसके बाद ये क्या होगा कि ये दोनों जो सिरे रहेंगे आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग प्रेशर डाल देते हैं, ठीक, यहाँ से ये प्रेशर डालने का काम होता है। तो यहाँ से ये हो गया कि अपसेट वेल्डिंग का प्रयोग हम लोग पाइप के दो किनारों को जोड़ने के लिए करते हैं, तो ये अपसेट वेल्डिंग के बारे में हो गया। ठीक, अब देखिए अगला जो है दोस्तों, अगला जो है हमारा सीम वेल्डिंग है। अब देखिए दोस्तों सीम वेल्डिंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो भी हमारा सीम वेल्डिंग होगा उसमें देखिए क्या रहता है कि ये जो फिगर है इसमें देखिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो ये अपसेट वेल्डिंग के बारे में हो गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे स्पॉट वेल्डिंग, ठीक, क्योंकि बारी बारी सीरियल वाइज पढ़े। तो देखिए स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग के बारे में मैं दोस्तों आपको बता दूं कि स्पॉट वेल्डिंग जो होता है इसमें हम लोग दोस्तों क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, यहाँ पर आप लोग खुद ही देखिए, ये जो है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड लिखा है ना, तो ये जो है दोस्तों हमारा क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ठीक, और ऊपर से देखिए यहाँ पर हम लोग प्रेशर डालेंगे, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक करेंट यहाँ से हम लोग देंगे, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इस तरह से रहेगा, और यहाँ पर साइड में दोस्तों आप लोगों क्या रहेगा, ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा रहता है, तो ये आपका प्राइमरी ट्रांसफार्मर रहता है, ये आपका ये प्राइमरी सिरा, ये आपका सेकेंडरी सिरा बन जाता है ट्रांसफार्मर। तो सेकेंडरी सिरा में दोस्तों फेरों की संख्या कम रहेगी, प्राइमरी वाले में फेरों की संख्या ज्यादा, तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है। और यहीं से दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिक की सहायता से दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर जो देखिए इलेक्ट्रिक की सहायता से यहाँ से जब ये गर्म होगा, ठीक, इलेक्ट्रोड गर्म होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हीट जनरेट होगा यहाँ यहाँ पर, और इसके बाद ऊपर से हम लोग क्या डाल देंगे, प्रेशर डाल देंगे, प्रेशर डाल देंगे, तो यहाँ पर जो होगा ये आपका वेल्ड हो जाएगा। ठीक, तो यही इसका यहाँ पर प्रोसेस है। अब देखिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं कि यहाँ पर जो स्पॉट वेल्डिंग होता है उसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोड जो हम लोग यूज करेंगे कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रोड यूज होगा वह कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा। ठीक, तो स्पॉट वेल्डिंग में हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वह किसका रहेगा, कॉपर का। ठीक, तो कॉपर यहाँ पर हो गया। दूसरा जो है वो कहेगा कि इसमें ट्रांसफार्मर कौन सा यूज होगा। ठीक, ट्रांसफार्मर कौन सा यूज होगा, तो आप कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको मैं TF लिख देता हूँ। ठीक, तीसरा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से बनेगा कि जो स्पॉट वेल्डिंग है यह किस प्रकार का वेल्डिंग है, तो यह दोस्तों हमारा प्रेशर वेल्डिंग या दाब वेल्डिंग है, क्योंकि उसी का वर्गीकरण ही है, तो ये अक्सर पूछ लेता है कि यह किस प्रकार का वेल्डिंग है, तो ये दोस्तों है हमारा प्रेशर वेल्डिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं दाब वेल्डिंग। ठीक, तो ये हो गया। और चौथा क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, वो कहेगा दोस्तों
ये जो देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ये ठीक ऐसा नहीं कि यहाँ पर जैसे ही वेल्डिंग होगा हम इस इलेक्ट्रोड को हटा लेंगे, ऐसा नहीं। हम दोस्तों क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को तब हटाते हैं जब वेल्डिंग मटेरियल ठंडा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो वेल्डिंग हो रहा है अगर ये जब ठंडा हो जाएगा तभी हम लोग दोस्तों इस इलेक्ट्रोड को हटाते हैं। ठीक, तो ये हो गया कि स्पॉट इलेक्ट्रोड को तब हटाया जाता है जब वेल्डिंग मटेरियल ठंडा हो जाता है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद देखिए चौथा है कि स्पॉट वेल्डिंग में दोस्तों क्या होते हैं, दो स्पॉट होते हैं, एक तो यहाँ पर देखिए पहला वाला है, दूसरे यहाँ पर ये वाला है कि दो स्पॉट। तो यहाँ पर कहा सॉरी, ये तो इलेक्ट्रोड है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर स्पॉट के बारे में मैं बता दूं कि जो भी दो स्पॉट होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक, वो कितनी होती है, इसके बारे में भी दोस्तों क्वेश्चन ज्यादातर बनता है। तो देखिए कि स्पॉट वेल्डिंग में दो स्पॉटों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, यहाँ पर मैं लिख दूं स्पॉट के बीच की दूरी, स्पॉट के बीच की दूरी दो इस पर, जैसे एक यहाँ पर हो रहा है, ठीक, और जस्ट इसी का अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाता तो जैसे कि एक साइड में अगर यहाँ पर बनता, ठीक, तो इनके बीच की जो दूरी रहती दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लिख दूं दो स्पॉट के बीच की दूरी जो रहती वो दोस्तों क्या होता कि 3D से कम नहीं होना चाहिए था। किससे कम, तो 3D से कम नहीं होना चाहिए, 3D से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो दो स्पॉटों के बीच की दूरी 3D से कम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, यहाँ पर 3D अक्सर पूछेगा। ठीक, जहां पर D क्या है, तो ये दोस्तों आपका रहता है इलेक्ट्रोड का व्यास, ये जो व्यास है ना इलेक्ट्रोड का, यहाँ पर देखिए जो ये यहाँ पर दिख रहे हैं ये आपका व्यास है इलेक्ट्रोड का, तो दो स्पॉटों के बीच की दूरी 3D से कम नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना है आपको। और देखिए स्पॉट वेल्डिंग में दोस्तों ये भी आपको पांचवे में याद रखना है कि जो स्पॉट वेल्डिंग में जो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड का व्यास होता है वो क्या होता है कि जो भी प्लेट की थिकनेस होती है उसका क्या होता है रूट इतना रहता है, यानी कि जो डी इक्वल टू अंडर रूट टी, जहां पर डी क्या है ये तो है इलेक्ट्रोड का व्यास है, और जो टी है दोस्तों ये क्या है हमारा वर्क पीस की मोटाई, टी क्या है हमारा, देखिए ये जो वर्क पीस है ना इसको अगर देखा जाए तो इसके बीच की ये जो दूरी है ये टी है, ठीक, मोटाई इसकी वर्क पीस की मोटाई ये भी आपका क्या है टी है। ठीक, और इसका देखिए यहाँ पर ये जो क्या बना है तो ये है दोस्तों हमारा व्यास डी है, तो यही पर क्या है कि जो डी इक्वल टू होता है अंडर रूट टी होता है। ठीक, तो यहाँ पर डी क्या है हमारा इलेक्ट्रोड का व्यास है, टी क्या है हमारा प्लेट या वर्क पीस की थिकनेस यानी कि मोटाई है। ठीक, और हमने बता दिया कि दो स्पॉटों के बीच की न्यूनतम दूरी 3D से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, और वर्क पीस की मोटाई, आपसे इस पे दोस्तों क्वेश्चन भी बनता है कि अगर किसी प्लेट की थिकनेस दोस्तों अगर दे देगा कि अगर 3 mm, बाय चांस मान लीजिए 4 mm है, ठीक, प्लेट की थिकनेस अगर दोस्तों 4 mm है तो इलेक्ट्रोड का व्यास क्या होगा, तो आपका कितना आ जाएगा 2 mm आ जाएगा। ठीक, तो उसी तरह से दोस्तों ये आपका क्वेश्चन बनता है इस पर न्यूमेरिकल का भी, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों स्पॉट वेल्डिंग जो होता है इसके दोस्तों कुछ तो लाभ भी हैं, कौन से लाभ हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं स्पॉट वेल्डिंग में। तो देखिए यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग में दोस्तों जो भी है आपका, जैसे कि अब मैं यहाँ पर एडवांटेज के बारे में बताऊंगा, तो देखिए धातु के चादर को वेल्ड करने के लिए, देखिए ये चादर ही है, चादर ही तो है, धातु के अगर चादर हैं तो इनको हम लोग वेल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। धातु के चादर को जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो स्पॉट वेल्डिंग। ठीक, अब देखिए और यहां पर इसके द्वारा दोस्तों मैं आपको बता दूं जहां वर्क पीस की मोटाई 0.25 mm से लेकर के, ठीक, 1.25 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, किसका मोटाई, ये मैंने आपको बताया वर्क पीस, यहां पर मैं आगे लिख दूं वर्क पीस WP यानी कि वर्क पीस,
तो वर्क पीस जो होना चाहिए दोस्तों 0.25 mm से लेकर 1.25 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके बीच में ही होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों वर्क पीस के बारे में। तो ये हो गया स्पार्ट वेल्डिंग के बारे में दोस्तों, हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया। अब इसमें दोस्तों देखिए, तो दोस्तों ये हो गया पूरा हमारा डिटेल कि स्पार्ट वेल्डिंग के बारे में। हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, कॉपर का यूज करेंगे, ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, प्रेशर वेल्डिंग इसे हम लोग बोलेंगे या दाब वेल्डिंग बोलेंगे। दो स्पार्टों के बीच की दूरी 3D से कम नहीं होना चाहिए, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड का व्यास होगा दोस्तों, वह प्लेट की जो मोटाई होगी उसका अंडर रूट ही रहेगा। ठीक, ये बताया गया है। धातु के चादर को जोड़ने के लिए दोस्तों हम लोग स्पार्ट वेल्डिंग का यूज करेंगे। वर्क पीस जो होता है दोस्तों वह 0.25 mm से 1.25 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, उसकी मोटाई, वर्क पीस की मोटाई। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सीम वेल्डिंग के बारे में। ठीक, तो सीम वेल्डिंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो भी हमारा, अच्छा दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा भूल रहा था, उसको मैं आपको बता दूं। यहाँ पर स्पार्ट वेल्डिंग में कुछ और चीजें पूछने की, यहाँ पर हम लोग दोस्तों धारा कितना यूज करते हैं और कितना क्या रहता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज छूटे ना मैं सोच रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए आठवां यहाँ पर लिख लीजिए। आठवें में मैं आपको बता दूं कि इसमें दोस्तों हम लोग, इसमें ना तो फ्यूजन होता है, यानी कि नो फ्यूजन, ठीक, नो फ्यूजन, नो फ्लक्स, यानी कि हम लोग फ्लक्स का भी यूज नहीं करेंगे, और दोस्तों इसमें नो सील्ड, यानी कि सील्डिंग भी इसमें नहीं होता है। ठीक, तो ना फ्लक्स होगा, ना फ्यूजन होगा, ना सील्डिंग होगा। ठीक, इसके बाद अगला क्या है इसमें दोस्तों, हम लोग कॉपर के तो नुकीले इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। और इसमें दोस्तों वोल्टेज कितना यूज करेंगे, ये भी पूछता है अक्सर एग्जाम में। तो वोल्टेज जो रहेगा दोस्तों, वो वोल्टेज रहता है दोस्तों हमारा कितना रहता है, तो 6 वोल्ट से 10 वोल्ट, ये हमारा वोल्टेज हो गया। ठीक, और अब यहां पर देखिए इसके बाद अगला जो है रहेगा हमारा दसवां, इसमें पूछेगा बाय चांस वोल्टेज तो हो गया, अब इसमें कहेगा कि धारा कितना रहेगा, यानी कि करंट, करंट यानी कि धारा हम लोग कितना यूज करेंगे। तो देखिए इसमें जो हम लोग दोस्तों धारा यूज करेंगे वह 60 एम्पियर से लेकर के 4000 एम्पियर तक का दोस्तों हम लोग यूज करेंगे। ये दोस्तों जैसा हमारा रहेगा उस हिसाब से दोस्तों हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों करंट के बारे में। और इसमें दोस्तों हम लोग प्रेशर भी तो डालते हैं, क्योंकि ये प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। तो ये पूछेगा प्रेशर कितना डालते हैं, देखिए दोस्तों इसमें हम लोग जो प्रेशर डालते हैं वो दोस्तों हमारा प्रेशर कितना रहता है, तो 30 मेगा पास्कल। ठीक, 30 मेगा पास्कल से लेकर के ये हमारा कितना रहेगा, 60 मेगा पास्कल से 60 मेगा पास्कल तक रहता है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। ठीक, अब देखिए तो इतना चीजें हो गई दोस्तों स्पार्ट वेल्डिंग के बारे में। ठीक, अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग सीम वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सीम वेल्डिंग दोस्तों, ये देखिए जो फिगर है यहाँ पर, देखिए ये आपको गोल गोल जो दिख रहा है, ये दोस्तों हमारा क्या है, रोलर है। और इसी रोलर की सहायता से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं। ठीक, तो ये कहलाएगा दोस्तों हमारा सीम वेल्डिंग। और देखिए दोस्तों ये जो सीम वेल्डिंग होता है, इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रोड, ये पूछेगा जो इलेक्ट्रोड रहेगा हम लोग, ये दोस्तों यह जो है हमारा इलेक्ट्रोड है, क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोड। ठीक, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है, ऊपर वाला भी इलेक्ट्रोड है, नीचे वाला भी इलेक्ट्रोड है। ठीक, और क्या है, इसमें जो सीम वेल्डिंग हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ये किस तरह का रहता है, तो सर्कुलर इलेक्ट्रोड। तो यहां पर मैं लिख दूं सर्कुलर इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं सीम वेल्डिंग में। और ये किसका रहता है दोस्तों, ये हमारा कॉपर का रहता है। ठीक, पिछले वाले में भी कॉपर था, इसमें वाले में भी कॉपर है। तो सीम वेल्डिंग में हम लोग कॉपर का सर्कुलर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक, और इन्हीं दोस्तों सर्कुलर इलेक्ट्रोड के बीच में हमारा क्या रहता है,
वर्क पीस, ये देखिए हमारा वर्क पीस है, जिनको जोड़ना रहता है तो हमारा वर्क पीस रहता है, तो उसको क्या करते हैं कि इन दोनों रोलरों के बीच से हम लोग गुजारते हैं, तो वहां पर दोस्तों प्रेशर फिर इसके बाद दोस्तों डालते हैं। इसके बाद क्या होगा, वहां पर हीट जनरेट होगा, और वहां पर जो हीट जनरेट होगा फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेशर डाल के हम फिर वहां से वेल्डिंग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर दोस्तों हम लोग करंट भी देते हैं, कौन से, यहाँ से देखिए ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये दोस्तों यहाँ पर आपका लगा रहेगा एसी सप्लाई। ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रोड में ये रहेगा आपका, यहाँ से आपका करंट रहेगा। ठीक, तो यहाँ से आपका करंट की सप्लाई होगी, एसी सप्लाई यहाँ पर होगा। ठीक, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड रहेगा, ये आपका गर्म होगा, जिसके कारण ये हीट पैदा करेगा, और ये नीचे दोस्तों आपका जो भी प्लेट रहेगा वो गर्म होगा। फिर ऊपर से दोस्तों यहाँ पर हम जो रोलर है, रोलर की सहायता से इसको हम लोग दबा भी देंगे, तो यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर ये जो है इस तरह से हमारा ये वेल्डिंग प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और ये दोस्तों हमारा सीम वेल्डिंग है। ठीक, तो सीम वेल्डिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेल्डिंग। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वेल्डिंग है इस तरह से आप रोलर घुमाते जाएंगे, देखिए रोलर का डायरेक्शन, यहाँ पर रोलर घुमाते जाएंगे तो ये कंटिन्यूअस वेल्डिंग क्यों बोलते हैं कि लगातार वेल्डिंग। ऐसे अगर वर्क पीस बड़ा है तो ऐसे ये लगातार होता रहेगा, ऐसे दूर तक होता चला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, जो सीम वेल्डिंग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेल्डिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर अब मैं यहाँ पर लिखूं, क्योंकि दोस्तों जो एग्जाम में पूछेगा वही चीज मैं यहाँ पर लिखाऊंगा अच्छे तरीके से। तो देखिए सीम वेल्डिंग को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो कंटिन्यूअस वेल्डिंग। ठीक, तो कंटिन्यूअस वेल्डिंग। ठीक, और इसको किस नाम से जानते हैं, अब देखिए दोस्तों हम लोग रोलर के बीच से गुजर रहे हैं ना, तो इसको रोलर स्पाट वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो रोलर स्पाट वेल्डिंग। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। तीसरा याद रखिए कि इसमें हम लोग कापर का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, तो यहाँ पर कापर का सर्कुलर इलेक्ट्रोड। ठीक, सर्कुलर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ठीक, तो ये हो गया सर्कुलर इलेक्ट्रोड के बारे में। और देखिए दोस्तों इसका यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए ये कंटिन्यूअस वेल्डिंग यानी कि जहां पर दोस्तों हमको लीकेज की जरूरत ना हो, यानी कि जैसे कि अगर कोई आप मान लीजिए कि जैसे कि आप पेट्रोल टैंक बना रहे हैं, तो उसमें अगर लीकेज रहेगा दोस्तों तो आप लोगों के लिए दोस्तों खतरे का ही निशानी रहेगा वो। इसलिए दोस्तों जो भी मतलब द्रव और गैस वाली जो भी चीजें होती हैं उसको अगर वेल्ड करना रहता है, तो वहां पर दोस्तों हम लोग किसका यूज करेंगे, सीम वेल्डिंग। यानी कि देखिए यहाँ पर मैं लिख दूं, द्रव व गैस में, द्रव व गैस के टैंक में लिख दें तो अब सही रहेगा, द्रव या गैस के टैंक या बर्तन लिख दें। ठीक, टैंक या बर्तन के वेल्डिंग के लिए, इससे आपको याद रहेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें लीकेज की जरूरत नहीं होती है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जहां भी वेल्डिंग करेंगे कंटिन्यू करते जाएंगे, बीच में गैप नहीं होगा। इसलिए द्रव और गैस के टैंक या बर्तनों के लिए दोस्तों हम लोग जो वेल्डिंग यूज करेंगे वह सीम वेल्डिंग यूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम उसमें लीकेज होना नहीं चाहिए। ठीक, तो इसलिए दोस्तों हम लोग यूज करेंगे कहाँ, द्रव और गैस वालों के लिए जो भी टैंक या बर्तन होंगे वहां पर हम लोग सीम वेल्डिंग करेंगे। और ऐसे पूछ लेगा उदाहरण के रूप में, जैसे कि दोस्तों आपको कहेगा कि जो भी आपके पेट्रोल टैंक होते हैं, पेट्रोल टैंक, ठीक, उसके वेल्डिंग के लिए दोस्तों हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो पेट्रोल टैंक के वेल्डिंग के लिए दोस्तों हम लोग सीम वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसे भी याद रखना है। जहां पर दोस्तों लीकेज के ज्यादा चांस रहते हैं वहां पर दोस्तों हम लोग यूज करेंगे सीम वेल्डिंग का, ताकि लीकेज ना हो। तो ये हो गया दोस्तों सीम वेल्डिंग के बारे में। ठीक, तो ये हो गया। और देखिए दोस्तों ये आपका अपर इलेक्ट्रोड रहता है, नीचे वाला आपका डाउन वाला इलेक्ट्रोड, अपर इलेक्ट्रोड और लोअर इलेक्ट्रोड रहता है। और इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में हमारा जो वर्क पीस रहता है, इन्हीं दोनों के बीच में दोस्तों प्रेशर डाल के हम लोग वेल्डिंग करते हैं। और ये हो गया, इतना सब कुछ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जितने क्वेश्चन सीम वेल्डिंग से बनेंगे बस इतने बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। फिर आगे चलते हैं दोस्तों,
देखिए इसके बाद आएगा आपका दोस्तों प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक, स्पॉट वेल्डिंग हो गया, सीम वेल्डिंग हो गया, फोर्ज वेल्डिंग भी दोस्तों हमारा हो गया। इसके बाद आएगा दोस्तों हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में दोस्तों ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये हमारा दोस्तों इलेक्ट्रोड है। किस तरह का इलेक्ट्रोड है? तो फ्लैट है। ठीक, तो फ्लैट इलेक्ट्रोड। ठीक, ये भी नीचे वाला क्या है हमारा? फ्लैट इलेक्ट्रोड। तो एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो रोलर वाला यूज करेंगे वह सिम वेल्डिंग में दोस्तों इलेक्ट्रोड जो यूज किया जाएगा सिम वेल्डिंग में वो हमारा रोलर रहेगा। और क्या कहेगा कि फ्लैट इलेक्ट्रोड किस में यूज किया जाता है? तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में दोस्तों हमारा यूज किया जाता है फ्लैट इलेक्ट्रोड। ठीक, और दोस्तों अब देखिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो होता है दोस्तों ये क्या होता है कि इसको हम लोग मल्टी स्पॉट वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज लिखिएगा, इसको दोस्तों प्रोजेक्शन वेल्डिंग को हम लोग मल्टी स्पॉट वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो मल्टी स्पॉट वेल्डिंग के नाम से हम लोग जानते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग को। तो ये हो गया। और देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, एक ही समय पर दोस्तों कई जगह पर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फिगर दिखाऊं तो देखिए, अगर आप दोस्तों ये जो फ्लैट इलेक्ट्रोड है जब भी आप इस पर प्रेशर डालेंगे ये एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक की सहायता से तो यहाँ पर हीट जनरेट कराया जाएगा, फ्लैट इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होगा, आपको सब कुछ पता है, प्रेशर भी डाला जाएगा। तो यहाँ पर स्पॉट जो है, देखिए यहाँ पर जैसे कि ये तो आपका क्या है, ये वर्क पीस है जिसको हमको वेल्ड करना है, और नीचे वाला जो भी है ये भी दोस्तों हमारा वर्क पीस है। इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो यहाँ पर देखिए स्पॉट लगे हुए हैं, एक स्पॉट, दो स्पॉट, तीन स्पॉट। तो स्पॉट वेल्डिंग जो रहता था उसमें सिर्फ एक ही लगता था, लेकिन जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग है एक ही साथ दोस्तों ये आपका तीन, यहाँ पर फिगर के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर तीन स्पॉट लगे हुए हैं, तो एक ही बार में दोस्तों तीन स्पॉट में दोस्तों ये वेल्डिंग करेगा। तो इसलिए दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। ठीक, एक ही बार में दोस्तों अगर एक स्पॉट वेल्डिंग में सिर्फ एक ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्शन वेल्डिंग में एक ही साथ तीन तीन चार चार जितना आप स्पॉट लगाए रहेंगे उतना होगा, और ये दोस्तों इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। जैसे कि चित्र में आपको तीन स्पॉट दिख रहा है तो एक बार में ये तीन वेल्डिंग करेगा तीन जगह पर, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। और दोस्तों इस वेल्डिंग में एक ही टाइम पर कई स्पॉट वेल्ड होते हैं, यही है ना, और इसी कारण से इसे मल्टी स्पॉट वेल्डिंग भी हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों सभी जितने भी दोस्तों हमारे प्रेशर वेल्डिंग थे उनके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़े हैं। ठीक, आइए दोस्तों आइए हम लोग फटाफट इसका हम लोग दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं जो भी पढ़े हैं। अब आइए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्रेशर वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग प्रेशर देकर वेल्डिंग करते हैं। ठीक, प्रेशर वेल्डिंग का दोस्तों मैंने आपको बताया है कि दूसरा नाम क्या है, तो प्रेशर वेल्डिंग का दूसरा नाम है दोस्तों प्लास्टिक वेल्डिंग। ठीक, प्रेशर वेल्डिंग का दूसरा नाम मैंने आपको बताया है कौन सा वेल्डिंग, तो प्लास्टिक वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग। ठीक, और वर्क पीस जो होगा दोस्तों ये आपका द्रव अवस्था में नहीं आएगा, और इसमें हम लोग निष्क्रिय गैस भी यूज नहीं करते हैं और ना ही फिलर मटेरियल हम लोग इसमें यूज करते हैं। प्रेशर वेल्डिंग को प्लास्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं, और प्रेशर वेल्डिंग जो होगा दोस्तों फोर्ज वेल्डिंग होगा, और दूसरा आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग दो पार्ट में बढ़ जाता है। फोर्ज वेल्डिंग जो होगा ये दोस्तों भट्टी में किया जाता है। ठीक, और देखिए जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है ये आपके चार प्रकार के हो जाते हैं, कौन कौन सा, तो मैंने पहले बताया था अपसेट वेल्डिंग, दूसरा जो आपको बताया है स्पॉट वेल्डिंग, तीसरा जो है दोस्तों ये हमारा सीम वेल्डिंग, और जो चौथा मैंने आपको बताया वो है हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों प्रेशर वेल्डिंग के बारे में। अब इनका हम लोग एक एक वर्गीकरण जो पढ़े थे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोर्ज वेल्डिंग। तो लोहार गिरी वेल्डिंग इसको हम लोग बोलते हैं, लोहार गिरी वेल्डिंग में आपको पता है कि लोहार जो भी होते हैं हथौड़े का ही यूज करते हैं, तो हथौड़े का इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। अब हथौड़ा दोस्तों आप लोग अगर हाथ से यूज करेंगे तो वहां पर हैंड हैमर का यूज करेंगे, चाहे तो आप लोग पावर हैमर का भी यूज कर सकते हैं। अब हथौड़े का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आप लोग हाथ से पीट पीट कर आप अपना वेल्डिंग कर देंगे, तो उसके लिए मटेरियल जो भी वर्क पीस रहेगा उसको हम लोग गर्म करते हैं, तो गर्म करने के लिए दोस्तों हम लोग भट्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे चित्र में दिखाया गया कि भट्टी से हम लोग गर्म करके
लाएंगे एनविल पर या निहाई पर जो भी रहता है उस पे दोस्तों हम लोग रख के, और इसके बाद जैसा हमको आकार देना रहे या वेल्डिंग करना रहे फिर हम लोग ठोक ठोक के वहां पर हम अपना वेल्डिंग कर लेते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हम लोग रॉट आयरन फोर्ज वेल्डिंग जो होता है इसमें मोस्टली हम लोग दो पदार्थों का हम लोग वेल्डिंग करते हैं, जैसे कि रॉट आयरन। रॉट आयरन में दोस्तों हम लोग महीन बालू एज ए फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं, और लो कार्बन स्टील दोस्तों हम लोग यूज करते हैं फोर्ज वेल्डिंग, मतलब फोर्ज वेल्डिंग लो कार्बन स्टील में हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो लो कार्बन स्टील की वेल्डिंग करने के लिए हम लोग फोर्ज वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे, और जो लो कार्बन स्टील रहेगा दोस्तों हम लोग उसके वेल्डिंग के लिए बोरेक्स एज ए फ्लक्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गए दोस्तों फोर्ज वेल्डिंग के बारे में। ठीक, अब इसके बाद अगला जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है दोस्तों, ये तो है दोस्तों किसके बारे में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में मैंने आपको पहले ही बताया है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होता है दोस्तों इसमें आपका स्टेप डाउन ट्रांसफर, इसमें इलेक्ट्रिक की सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि वेल्डिंग प्राप्त करेंगे, और इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा, और जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होगा वह अपसेट वेल्डिंग होगा, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ये चार दोस्तों हम लोगों को पढ़ने हैं, और इन चारों को दोस्तों हम लोग बारी बारी से जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा अपसेट वेल्डिंग, जिसका कि दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ से देखिए वर्कपीस को पकड़ने के लिए यहाँ पर हम लोग इसको प्रेशर से पकड़ लेंगे, और ये देखिए पाइप है, इन दोनों पाइपों को किनारों को जोड़ने के लिए दोस्तों हम लोग अपसेट वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे, और यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से प्रेशर डाल देंगे या दबा के इसको, इसको जहां पर ज्वाइंट करना रहेगा वहां पर हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों अपसेट वेल्डिंग के बारे में। और इसके बाद देखिए स्पॉट वेल्डिंग मैंने आपको बताया है सबसे पहले, तो स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे हम लोग कॉपर के यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसा चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा कॉपर के इलेक्ट्रोड रहता है, ये दोनों कॉपर के इलेक्ट्रोड रहता है। ठीक, ऊपर से दोस्तों हम लोग प्रेशर और नीचे से भी हम लोग प्रेशर डालते हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो रहता है यहाँ पर दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। ठीक, और देखिए यहाँ पर प्रेशर वेल्डिंग, इसको हम लोग दाब वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक, और इसमें देखिए चौथा यहाँ पर है कि दो स्पाटों के बीच की दूरी जो होना चाहिए वो आपका 3D से कम नहीं होना चाहिए, और जो आपका ये जो इलेक्ट्रोड का व्यास होना चाहिए ये प्लेट की थिकनेस का अंडर रूट ये होना चाहिए। ठीक, उतना ये व्यास होता है। सिक्स नंबर है कि धातु के चादरों को जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो वर्कपीस रहेगा दोस्तों वो क्या होना चाहिए, 0.25 mm से 1.25 mm से मोटाई उसका अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें दोस्तों आपका ना तो फ्यूजन होगा, ना तो फ्लक्स होगा, ना तो इसमें शील्डिंग होगा। ठीक, वोल्टेज जो यूज करेंगे दोस्तों 6 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक हम लोग इसमें मतलब विभव का यूज करेंगे, वोल्टेज जो यूज करेंगे 6 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट, और जो करंट होगा यानी कि धारा का मान होगा 60 एम्पियर से 4000 एम्पियर तक का यूज करते हैं। प्रेशर जो रहता है दोस्तों 30 मेगा पास्कल से लेकर 6 मेगा पास्कल तक हम लोग प्रेशर यूज करते हैं। तो ये हो गया स्पॉट वेल्डिंग के बारे में। इसके बाद आएगा हमारा सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग को दूसरा नाम है दोस्तों कंटिन्यूअस वेल्डिंग। कंटिन्यूअस वेल्डिंग जो होता है दोस्तों ये आपका कंटिन्यू वेल्डिंग करता है, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या है कि हम लोग जो कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वह सर्कुलर रहता है, और ये रोलर की तरह रहता है। ठीक, रोलर की तरह रहता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रोलर स्पॉट वेल्डिंग। ठीक, और ये कंटिन्यू दोस्तों वेल्डिंग करता है, जिसके कारण इसे हम लोग कंटिन्यूअस वेल्डिंग कहते हैं, और इसमें कॉपर का जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो सर्कुलर रहेगा। द्रव और गैस का दोस्तों जो भी बर्तन या टैंक रहता है उसका वेल्डिंग करने के लिए हम लोग सीम वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे। पेट्रोल टैंक के वेल्डिंग के लिए दोस्तों हम लोग सीम वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये हो गया दोस्तों सीम वेल्डिंग के बारे में। अब अगला जो है दोस्तों वो है हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग के दोस्तों हम लोग यूज वो दूसरा जो नाम है मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। मल्टी स्पॉट वेल्डिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों एक ही बार में कई स्पॉट लगे होते हैं, और एक ही बार में जितने भी स्पॉट रहेंगे उतने जगह पर ये वेल्डिंग हो जाता है, जिसके कारण हम लोग इसे मल्टी स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। और इसमें दोस्तों जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो हमारा किस तरह का रहता है, तो फ्लैट इलेक्ट्रोड रहता है। ठीक, तो फ्लैट इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग में। तो ये दोस्तों हमारा पूरा कंप्लीट होता है जो हमारा प्रेशर वेल्डिंग है। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉन प्रेशर वेल्डिंग के बारे में, जो कि अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और क्लास में अगर दोस्तों मजा आ रहा हो तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अगर व्यूज नहीं आएगा तो दोस्तों थोड़ा सा डिमोटिवेट मैं भी हो जाता हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद दोस्तों अगर व्यूज नहीं आ पाता है तो
डिमोटिवेट हो जाना पड़ता है। ठीक, तो आप लोग भी दोस्तों शेयर करिए, सपोर्ट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।